गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ विजेंद्र सिंह, आई एम योर एसएसटी टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल। लेट्स वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 2। नाउ टुडे टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड्स, द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द लैटिट्यूड्स। सो द नॉर्थ साउथ लोकेशन टू लोकेट ए प्लेस और द अर्थ सरफेस। बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं ग्लोब के ऊपर, आपने देखा होगा जो समांतर क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में खींची जाती हैं, और ये रेखाएं पूरा सर्किल होती हैं, पूरा एक पूर्ण वृत्त होता है, और जो एक दूसरे के समांतर खींची होती हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, वी आल्सो नीड द वर्टिकल्स कोऑर्डिनेट और द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फॉर ऑफ ए प्लेस। द वर्टिकल कोऑर्डिनेट इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल रेखाएँ होती हैं जो इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक और इक्वेटर से लेके साउथ के बीच में जो ऐसे क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जो पूरा वृत्त होता है, उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो हमें उसके माध्यम से हमें जो है नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में, यदि कोई भी पृथ्वी का कोई भी भाग है, कोई भी भूभाग है, ठीक है, किसी भी हिस्से की अगर हमको नॉर्थ से लेके साउथ के बीच की लंबाई अगर पता करनी है, तो हमको वो लैटिट्यूड्स के माध्यम से पता चल जाती है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि मान लीजिए ये कोई एरिया है और इसकी ईस्ट से लेके वेस्ट तक की लंबाई बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा ग्लोब पर नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में ऐसे लंबवत रेखाएँ बनी होती हैं जो सेमी सर्किल होता है, अर्धवृत्ताकार रेखाएं और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच बनी होती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं या फिर मेरिडियंस कहते हैं। ठीक है बेटा, नाउ प्राइम मेरिडियन क्या होता है, द 0° लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नोन एज द प्राइम मेरिडियंस। तो ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो 0° का आपको लॉन्गिट्यूड दिखाई दे रहा है जो इंग्लैंड के ऊपर से गुजरता है, ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है वो उसके ऊपर से जो रेखा गुजरती है, इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, 0° लॉन्गिट्यूड। टू, मेजर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन लाइन आर ड्रॉन एट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 1° ऑन बोथ साइड of the prime meridian. There are 360 meridians in all, 182 east and 182 west of the prime meridian. The line opposite to 0° is 180° longitude. These two lines are not denoted by east or west other than these two lines. All the others longitudes are marked E for Eastern Hemisphere and W for the Western Hemisphere. तो मैं आपको बता दूं बच्चों क्या होता है कि ये आपको बताया था कि ये प्राइम मेरिडियन होती है, इस प्राइम मेरिडियन के ठीक जो अपोजिट, ये प्राइम मेरिडियन 0° पर होता है और इसके अपोजिट जो दूसरा सेमी सर्किल होता है ठीक इसके अपोजिट वो 180° पर होता है। तो ठीक है, अब क्या होता है, इस जो प्राइम मेरिडियन है 0° से लेके ईस्ट तक, यहाँ पर जो है 180 लॉन्गिट्यूड्स बने होते हैं, और 0° मेरिडियन से वेस्ट तक यहाँ पर 180° लॉन्गिट्यूड बने होते हैं। यह टोटल लॉन्गिट्यूड्स की जो संख्या होती है पूरे इसमें ग्लोब पर जो है 360 मेरिडियन बने होते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि ये 0° का जो लॉन्गिट्यूड्स होता है और 0° के पीछे जो 180° का जो लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम, उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, उस पर ईस्ट और वेस्ट शो नहीं किया जाता है। ठीक है, 0°
और 180 डिग्री पर को हम ईस्ट और वेस्ट से शो नहीं करते हैं, जबकि 0 डिग्री के ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स बने होते हैं उन्हें हम जो है ई से, कैपिटल ई से मार्क करते हैं, ठीक है, जो कि ईस्टर्न हेमीस्फीयर को शो करता है, जो ईस्टर्न हेमीस्फीयर पर जो लाई करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जितने लॉन्गिट्यूड्स जो है जीरो मेरिडियन से लेके वेस्ट की ओर बने होते हैं, 180 मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड जो बने होते हैं उन्हें हम W से मार्क करते हैं, जो इंग्लिश का अक्षर होता है W से मार्क करते हैं, यानी वेस्टर्न हेमीस्फीयर के लिए। नाउ ईस्टर्न हेमीस्फीयर इज द हाफ दैट इज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड वेस्ट ऑफ द 180 मेरिडियन। वेस्टर्न हेमीस्फीयर इज हाफ दैट द लाइंस वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड ईस्ट ऑफ द 180 मेरिडियंस, ठीक है। वही बात है जो मैंने आपको बताया था, आधा हिस्सा जो होता है ईस्टर्न हेमीस्फीयर इज द हाफ दैट ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पड़ती है आधी रेखाएं, और वेस्ट ऑफ द 180 मेरिडियंस वेस्ट वेस्टर्न हेमीस्फीयर इज हाफ दैट लाई वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन से लेके जो पश्चिम में पड़ता है तो इसे हम वेस्टर्न हेमीस्फीयर पर जो लाई करते हैं उस, और यहाँ भी जो है 180 मेरिडियंस होती हैं। इस प्रकार पूरे ग्लोब पर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।